तौर पर कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में देश में हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है, गारंटी की बात होती है, घोषणा पत्र की बात होती है, संकल्प पत्र की बात होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी वायदे जनता के साथ करती है, जनता आंकलन करती है और उसके बाद वायदों के अनुकूल अपना मन बनाती है और उसके बाद अपना वोट का जो है इस्तेमाल करके सरकारें बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2017 में जो चुनाव लड़ा था उसमें संकल्प पत्र जारी किया था। क्या वो संकल्प पत्र या दृष्टि पत्र जो था वो क्या पूरा हो गया? उन्होंने भी कोशिश करी होगी। 2022 में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र के साथ साथ 10 गारंटीज दी हैं। तो सरकार कांग्रेस की बनी है, तो सरकार कांग्रेस की बनने के बाद एक साल में जितना कर सकती थी कांग्रेस पार्टी उसने काम करने का प्रयास किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को या प्रदेश के उन लोगों को जो आज ये सवाल उठा रहे हैं उनको इस बात का भी मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है, प्रदेश का जो नुकसान हुआ है, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, सड़कें बह गई हैं, पानी की स्कीम में, बिजली की स्कीम में सारी तबाह हो गई हैं, उसको रेस्टोर करने के लिए जो सरकार ने काम किया, क्या वहाँ भी धन का इस्तेमाल हुआ है? और धीरे धीरे आप जानते हैं कि कोई हिंदुस्तान का एक भी ऐसा सूबा नहीं है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिनकी फाइनेंशियली हेल्थ धीरे धीरे कमजोर नहीं हो रही है। प्रदेशों पे कर्जा बढ़ रहा है, केंद्र सरकार पर कर्जा बढ़ रहा है। इसलिए ये जो फ्री वाला काम है, मुझे लग रहा है इस पे सरकारों को और पार्टियों को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए और लोगों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। मंत्री लगाए गए हैं, दो मंत्री अभी बने हाल ही में, हालांकि एक पद अभी खाली चल रहा है, आप कहाँ चूक गए? सुजानपुर की जनता को शायद इसका भी कुछ है। देखिए ऐसा है कि जो दो मेरे साथी बने हैं मैंने उनको बधाई दी है, मुझे खुशी है कि मेरे कुलीग उनको मंत्री बनाया गया, एक साल के बाद बनाया गया, पहले बना देने चाहिए थे। और जैसे मुख्यमंत्री और हाईकमान को ठीक लगा, उन लोगों को जिम्मेवारियां दी जा रही, आने वाले समय में और लोगों को भी जिम्मेवारियां मिलेंगी, जो उचित लगेगा हाईकमान को उचित लगेगा, मुख्यमंत्री को उचित लगेगा, उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। जब भी कोई सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसमें कई तरह के समीकरण होते हैं, कोई जातीय समीकरण होता है, कोई क्षेत्रीय समीकरण होता है, कोई जिला का समीकरण बनते हैं, कोई कई तरह के समीकरण बनते हैं, तो उस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अब बाकी आने वाले मैंने हाईकमान से बात नहीं किया। देखिए हाईकमान से जो मेरी बात हुई, हाईकमान की तरफ से तो मुझे यही संदेश था कि हाईकमान आपको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते। अब कहाँ अड़चन है क्या नहीं है, मैं इस ज्यादा इस डिटेल में नहीं गया, ना ही मैंने आज तक किसी को अप्रोच किया है कि भाई मुझे मंत्री में मंडल बनाया जाए। मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ एक चुनाव व्यक्ति होने के नाते कि आदमी पद से बड़ा नहीं बनता है, आदमी को बड़ा बनना है लोकतंत्र में तो आदमी को अच्छा कर्म करना पड़ता है। मेरा जीवन 23 साल का जो है वो 23 साल के जीवन में मैंने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना मैंने पार्टी देखी। मैं अपने क्षेत्र में, प्रदेश में जहां भी जाता हूं, काम करता हूं, इन सब चीजों से ऊपर उठकर मैं मेरी जो शुरुआत है जीवन की राजनीति में वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो मेरा मकसद लोगों की सेवा है और पार्टी को जो उचित लगेगा वो मेरी सेवा ले ले। चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आपको कैंडिडेट बना के उतार सकते। देखिए मैंने पहले ही मीडिया का जवाब दे दिया है, ये हर व्यक्ति का प्रश्न है कि राजेंद्र राणा को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जा सकता है। मेरा सीधा सीधा जवाब है कि 2017 में जब मैंने सुजैनपुर से चुनाव लड़ा और सुजैनपुर की जनता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने की बजाय राजेंद्र राणा की सेवा को चुना, तब भी सुजैनपुर के लोगों ने ये कहा कि आपकी सेवाएं हम एमएलए के तौर पर चाहते हैं। अभी भी 22 में यही कहा कि आप एमएलए के तौर पर ही हिमाचल सुजैनपुर के लोगों की सेवा करेंगे। कारण उसका मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जिस चुनाव क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री के बजाय एक छोटे से व्यक्ति को चुना, उनकी मनसा हो सकती है। आज राजेंद्र राणा यहाँ खड़ा है, राजेंद्र राणा बड़ा है छोटा है तो सुजैनपुर की जनता की वजह से है, और सुजैनपुर की जनता चाहती है कि राजेंद्र राणा एमएलए के तौर पर एमएलए जो है सेवा करे, एमएलए जो है डे टू डे के काम में लोगों के साथ जुड़ा होता है। किसी का बिजली का प्रॉब्लम है, किसी का नलके की प्रॉब्लम है, किसी की गली की प्रॉब्लम है, किसी की सड़क की प्रॉब्लम है, किसी जी क्या चाहते हैं
जूनियर राजेंद्र राणा जी आए मेरा, मैं वही चाहूंगा जो मेरे सुजानपुर के लोग चाहेंगे, इसलिए मैं सर उनमें काफी निराशा भी है मंत्री पद नहीं। देखिए स्वाभाविक होता है कि जिन लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को की बजाय राजेंद्र राणा को स्वीकार, उन लोगों की वर्करों की उम्मीदें होती हैं। ये कुछ सुजानपुर की बात नहीं है, हर चुनाव क्षेत्र के चुने हुए व्यक्तियों के प्रति उनके वहां के कार्यकर्ताओं की और वहां की जनता की उम्मीदें होती हैं, वो स्वाभाविक है, उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए। युवाओं का एक रोष है सरकार के खिलाफ, खासतौर पर बेरोजगार युवा, क्योंकि लगभग एक साल से जो है भर्तियां नहीं हो पा रही है उस तरह से जिस तरह से कमिटमेंट भी थी। इसमें बिल्कुल स्पष्ट हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र भी लिखा था कि जितने नौजवान हैं जिन्होंने पेपर दे रखे हैं और उनके पेपर जो हैं उनके रिजल्ट रुके पड़े हैं, उनको सरकार इंटरवीन करके तुरंत उनको जो है वो उनके रिजल्ट निकाले जाएं और नौजवानों को नौकरियां दी जाएं। दूसरा मैंने कहा कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो जहां पर धांधलियां हो रही थी, पेपर बेचे जा रहे थे, लीक हो रहे थे, ये गलत बात थी कि लोगों के हक मारे जा रहे थे, परंतु ये नहीं है कि एक विभाग में चाहे कोई भी विभाग ले लो, आप पुलिस का ले लो, कोई रेवेन्यू का ले लो, एक आदमी कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो इसका मतलब विभाग को बंद नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत बंद करना भी है तो तुरंत उसके ऊपर अमल में उसको लाकर उसको चलाना चाहिए, वहां ईमानदार लोग तैनात किए जाने चाहिए ताकि लोगों के काम ना रुके। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुरंत, पिछले सेशन में भी कहा था कि हम इसके ऊपर इसको खोल रहे हैं, जल्दी खोल रहे हैं और रुके हुए रिजल्ट जो है उनको हम जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो मैं फिर सरकार से यही बार बार निवेदन करता रहता हूं कि नौजवान जो प्रदेश का है जिसमें अभी जो है कहीं ना कहीं निराशा मिल रही है, उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके रिजल्ट निकाले जाने चाहिए और जो करुणामूलक आधार पर पिछली सरकार में भी लगातार कई महीने सड़कों में बैठ रहे, जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए हैं, ये सरकार का नियम है, कानून है, संविधान में है कि कोई भी सरकारी नौकरी में किसी की डेथ होती है सर्विस काल में, तो उनके परिवार में अगर शर्तें पूरी करते हैं जो कि सरकार, प्रदेश सरकार ने बनाई है, उन शर्तों को अगर पूरा करते हैं तो उनको नौकरी देनी चाहिए। आज सरकार के पास हजारों पद खाली पड़े हैं, तो मुझे लग रहा है करुणामूलक आधार पर हो, चाहे जिन्होंने एग्जाम जो है दे के रखे उनके रिजल्ट जो है वो सरकार को निकालना चाहिए और करुणामूलक आधार वाले जो है उनको तुरंत जो है सरकार को। फर्जी डिग्री मामला, आप ऑपोजिशन में थे पिछली बार, काफी आपने उठाया और कहा था कि सत्ता में आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, लेकिन लग रहा है अभी उस रफ्तार से काम। देखिए मैंने पिछली सरकार में फर्जी डिग्री कांड जो मानव भारती विश्वविद्यालय में हुआ था और भी कई यूनिवर्सिटीज इसमें जो है संदिग्ध है, मैंने उस मामले को लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाया। ऐसा नहीं है कि जब सरकार आई तब फिर मैंने फिर उठाया, 162 में फिर मैंने मामले को उठाया, परंतु मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की पिछली सरकार में भी कोशिश हुई है और मुझे लग रहा है कि अभी भी इस मामले को सरकार को सीबीआई को दे देना चाहिए थे। मैं बार बार कहता रहा कि ये जो फर्जी डिग्री कांड है ये कोई हिमाचल प्रदेश में डिग्रियां नहीं बिकी हैं, पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल स्तर पर बिकी हैं, ये 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो क्यों नहीं सीबीआई को मामला दिया गया, क्यों नहीं है, हालांकि 198 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी जो है जो राजकुमार राणा के नाम से रहना से आदमी था उसकी अटैच की गई है, परंतु इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी जो की सरकारों की तरफ से नहीं हुई। सवाल ये है कि जो कोरोना को घेरा जा रहा है, खासकर जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, उनका बयान जो है, भाषण जो दिया था उन्होंने 1500 रुपए को लेकर कि 3 महिलाएं होगी तो 4500 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, कब तक जो है। दूसरी बात कि गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। तीसरी बात कि एक साल के अंदर अंदर, अभी सरकार को एक साल हुआ, प्रदेश में कितना नेचुरल डिजास्टर हुआ है, कितना कहर बरसा है, कितना पैसा वहां पर लगा है, नहीं सर पहली कैबिनेट में दे देंगे सर, और जो है इतना नुकसान होने की वजह से जो है गारंटियां जो है उनको इस साल में, एक साल में जितना की कर सकते हैं किया है, आने वाले समय में जैसे हालात ठीक होंगे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सर जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर थे जो कोरोना काल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और अब उनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और मुख्यमंत्री का ये बयान है कि उन्हें अंक वाइज जो है वो अंदर किया जाएगा, मगर जो लोग अभी भी हताश है क्योंकि लोगों का